नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चाणक्य अन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था अभाज्य संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, यानी संख्या पत्ती हमने पूरी की पूरी क्लियर कर ली थी। उसके बाद में अगला टॉपिक था भिन्न। हमने भिन्न शुरू किया था। अब भिन्न किसे कहते हैं? अनुपात का सरलतम रूप भिन्न होता है। अनुपात का सरलतम रूप, जैसे 5:7, इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा 5/7। ये होता है अंश और ये है हर, यानी अंश बटे हर को हम कहेंगे भिन्न। अब भिन्नों के प्रकार, नंबर 1 उचित भिन्न, उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, यानी वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे 9/11, 5/8, 17/25, ये सारी की सारी भिन्न क्या हैं? उचित भिन्न हैं। अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, यानी सामान्य सी बात है कि ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या हो, भिन्न के रूप में हो, तो वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। नंबर 2, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न होती है अंश छोटा, अंश बड़ा और हर छोटा हो। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे 18/15, 9/7, 12/8, ये सारे के सारे भिन्न हैं, ये उचित अनुचित भिन्न हैं। अनुचित भिन्नों में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। उदाहरण के लिए हैं 18/15, 9/7, 12/8। तीन नंबर, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न होती है दो भिन्नों का जोड़। मिश्र भिन्न जैसे 5/2, 5/9, 4/12, ये दोनों मिश्र भिन्न हैं। इनको हल करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसका सरलतम रूप होता है 2 × 9 गुणा 18 5, ये हो जाएगा 23/9 और ये हो जाएगा 12 × 1 गुणा और 4
जोड़ेंगे, 12 और 4 16 बटे 12। अब देखो मिश्र भिन्न को सरल करेंगे तो वो हमेशा अनुचित भिन्न में चेंज होगी। ये भी क्या है? अनुचित भिन्न है। तो ये है भिन्नों के प्रकार, उचित अनुचित मिश्र, उचित अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित अंश बड़ा हर छोटा, और मिश्र दो भिन्नों का जोड़। अब पढ़ते हम भिन्नों के जोड़ घटा गुणा और भाग। और भाग देखो भिन्नों के जोड़ घटा गुणा और भाग। इसमें सबसे पहले हम एक छोटा टॉपिक लेस है, यानी लघुतम समापवर्ती ये पढ़ेंगे। लघुतम समापवर्ती कहते किसे हैं? का वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे बारह और अठारह, दो संख्याएं हैं 12 और 18 का, हमको निकालना है लघुतम समापवर्ती यानी लेस है। तो इसको हम दोनों को एक साथ निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, 2 से भाग देंगे 6 9, फिर 2 का भाग देंगे 3 9, फिर 3 का भाग देंगे 1 और 3, और फिर 3 का देंगे 1 और 1। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। अब इनको गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4 4 = 12 और 12 = 36। ये आ गया हमारा लघुतम समापवर्ती, यानी 36 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। 36 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रकार हमको ये लघुतम समापवर्ती निकालना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ और घटा में, भिन्नों के जोड़ और घटा में लघुतम समापवर्ती आवश्यक रूप से जरूरी है। चलो एक अन्य संख्या और लेते हैं, जैसे 3 संख्याओं का 10 15 और 25, ये 3 संख्याएं हैं। इन 3 संख्याओं का हमको निकालना है लघुतम समापवर्ती, एक साथ निकालेंगे। ये लो, सबसे पहले 2 का भाग दिया 5, इसमें जाता नहीं है 15 के 15, इसमें जाता है नहीं जाता है, तो 25 के 25। फिर देंगे 3 का, 2 का और जा नहीं रहा, नहीं तो 5 में नहीं 15 में नहीं 25 में 2 का जाएगा नहीं, तब 3 का देंगे, 5 में देंगे जाएगा नहीं 5, 15 में 3 का भाग देंगे जाएगा 5 बार, और 25 में नहीं जाएगा तो ये 25। अब जाएगा 5, 5 का 5 में देंगे 1 बार, 5 का 5 में देंगे 1 बार, और 25 में 5 का देंगे 5 बार। अब फिर 5 का देंगे 1, ये 1, और 5 में 5 का देंगे 1। ये आ गया अपने पास 2 × 3 ×
पांच इंटू पांच, यह आ गया दो तीये छह, छह पंजू तीस और तीस पंजू डेढ़ सौ, एक सौ पचास। यह आ गया 150 हमारा लघुतम समापवर्ते। तो देखो इन 150 में 10 का भाग जाता है, 15 दाए 150, 15 का जाता है और 25 छिका 150। तो ये 150 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 10, 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित है। अब पढ़ेंगे हम बिनों के जोड़ और घटाव, गुणा और भाग। अब सबसे पहले जोड़, बिनों के जोड़ याद जाएगा, जैसे 5/9 प्लस 3/9। अब देखो ये अंश ये हर, ये अंश ये हर। अब देखो दो समान हरों वाली बिनों का जोड़ सीधा कर देंगे, यह आ जाएगा इनमें से 9 और ये 5 + 3 = 5 × 3 = 8/9। क्योंकि समान हरों वाले बिनों को अंशों को जोड़ देंगे, बाकी हर आ जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 8/9। अगला जैसे 2/5 + 3/5, सेम है, हर समान है, अंशों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5/5 = 1। अब यदि ये तो है समान हरों वाली, अब यदि हर समान नहीं हो तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे ये आ गया 6/12 + 3/15, दो बिने हैं 6/12 + 3/15, इनका हर एक में 12 एक 15 का है, दोनों असमान है, समान नहीं है, तो इस कंडीशन में 12 और 15 का निकालेंगे लघुतम समापवर्ते। 12 और 15 का आएगा लघुतम समापवर्ते, जैसे यहां निकालते हैं ये आ जाएगा 12 और 15, दो का भाग दिया 6, 15 में जाता नहीं है, यह आ जाएगा 2 फिर 3 आ जाएगा 15, फिर 2 का जाता नहीं है 3 का, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, फिर 5 का जाएगा 1 और 1, यह आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60। ये 60 इसका लघुतम आ गया, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, सही है, तो ये आ जाएगा 60। अब देखो 60 है ये लघुतम है, इस 12 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार 12 × 5 = 60, 5 बार, इसको 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 5 × 30 प्लस, अब 15 का भाग देंगे 60 में, 15 × 60 4 बार, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12। अब दोनों को जोड़ेंगे 43 × 12 = 42/60, तो ये आ जाएगा अपना उत्तर 42/60। अगला जैसे 3 अंकों वाला एक भिन्न ले, 3 संख्याओं वाले भिन्न, 3/5 + 7/10 + 2/20, ये ले लिया, ये 3/5 + 7/10 + 2/20,
इनका करना है जोड़। अब इनका जोड़ करेंगे तो सबसे पहले 5, 10 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे। ये लो 5, 10 और 20। सबसे पहले 2 का भाग 1, 5 में जाता नहीं, 5 का 5 सॉरी, और 10 में गया 2 का 5 और 20 में गया 10। फिर 2 का देंगे 5, ये 5 का 5 और 10 में 2 गया 5। फिर 5 का देंगे 1, 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 पंजों 20, 20 अपना आ गया लघुत्तम आ गया। अब 5 का भाग 20 में देंगे, 5 4 बार जाएगा, इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 प्लस 10 का भाग देंगे 20 में 2 बार, इसको 2 से गुणा करेंगे, 7 2 14 प्लस अब 20 का देंगे 1 बार तो 2 का 2 ये आ जाएगा 2 6 4 2 6 2 8 1 1 2 28/20 ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर 28/20। अब ये बिन है 3/5 प्लस 7/10 प्लस 2/20 का उत्तर आ जाएगा 28/20। तो इस प्रकार हम बिनों के जोड़ कर सकते हैं। 2 बिन हो 3 बिन हो 4 बिन हो बहुत कितनी भी बिन ले सकते हैं अपन। अब आता है बिनों के घटा। अब देखो जोड़ और घटा के अंदर क्या करना है, बिनों में जोड़ और घटा के अंदर हम लघुत्तम निकालेंगे, गुणा और भाग में लघुत्तम नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब देखो घटा में घटाएंगे इसको, जैसे 5/12 -2/12। अब देखो समान अरों वाले भिन्न है, उसको सीधा कर सकते हैं हम, ये 12 अंशों को घटा देंगे, ये आ जाएगा 3/12। समान हरों वाली जोड़ में जोड़ा था और घटा में घटा देंगे, बस क्या आ जाएगा 9/7 -3/7। इसको भी सीधा कर लेंगे, सीधा सा है ये 7, ये 9 -3 = 6/7। तो ये समान हरों वाले भिन्नों के घटा हैं। अब असमान हरों वाले भिन्न के घटा, जैसे कोई भिन्न ले लिया हमने 10/18 -4/24, ये 10/18 -4/24। अब देखो 18 और 24 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे 18 और 24 का। तो चलो ये निकालते हैं, ये 18 और ये 24, 2 का भाग देंगे 9, 24 में 2 का देंगे 12, फिर 2 का देंगे 9 और ये आ जाएगा 6, फिर 2 का देंगे 9 और 3, फिर 3 का देंगे 3 और 1 और फिर 3 का आ जाएगा 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, तो अपने आ जाएगा ये 72 लघुत्तम आ गया 72। अब 18 का भाग देंगे 72 में, 18 चौके 72, 10 चौके 40, 24 का भाग देंगे 72 में 3 बार, इसको गुणा करेंगे 3 से तो यह आ जाएगा 4 3 12, तो 40 में से 12 घटाएंगे आ जाएगा 28/72। तो ये हो जाएगा इसका 10/18 -4/24 को हल करेंगे तो आएगा 28/72। अगली भिन्न,
ये ले लेते हैं 9 बटे 12 माइनस 3 बटे 15। अब 9 बटे 12 माइनस 3 बटे 15, अब इसको असमान हरों वाले बिने हैं लघुतम लेंगे, 12 और 15 का लघुतम आ जाएगा, निकाल के देखेंगे 60। 12 का भाग देंगे 5 बार, इसको 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजो 45 माइनस 15 का 15 चौके 60, इसको 4 बार, ये आ जाएगा 4 तीये 12, इसको घटा देंगे, 5 में से 2 घटाए 3, 4 में से 1 3, यानी 33 बटे 60। ये बिनों के हो गए घटा। यदि अपन एक मिश्र बिनोर लेके हल करते हैं, जैसे हमने ये ले लिया 2 सहित 3 बटे 5 माइनस 1 सहित 4 बटे 8, ये ले लेते हैं। चलो सबसे पहले इसको हल करेंगे, 5 तीये नहीं सॉरी 5 दूनी 10 और ये जोड़ेंगे, 10 और 4 14 बटे 5 माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 4 12 बटे 8। अब 5 और 8 का निकालेंगे लघुतम, 5 और 8 का लघुतम आ जाएगा 40। तो 40 में देखो 5 का भाग देंगे कितना आएगा 8, इसको 8 से गुणा करेंगे, 14 8 हाँ इसको गुणा करेंगे 14 8 112 माइनस 8 5 40, ये 5 और 12 5 60। अब घटा देंगे इसको, 2 में से 0 2, 1 में से घटाएंगे 6, यह आ जाएगा 5 बटे 40, यह आ जाएगा 52 बटे 40। तो इस प्रकार हम मिश्र बिनों के जोड़ घटा कर सकते हैं आसानी से। अगला है बिनों के गुणा। बिनों के गुणा के अंदर सीधा है, कुछ नहीं करना, 5 बटे 7 इंटू 3 बटे 9, इसको हल करना है, सीधा गुणा करना है, 5 को 3 से गुणा, 5 तीये 15 और 7 को 9 से गुणा, 9 सात 63, कर सकते हैं आराम से। ये अगली भिन्न है 6 बटे 12 इंटू 3 बटे 4, तो इसको सीधा कर लेंगे, 6 तीये 18 बटे 12 चौके 48, हो सकता है आराम से। अब यदि एक मिश्र बिन लिए तो उसको भी ऐसे ही करेंगे, 2 से ही 4 बटे 5 इंटू 1 से ही 2 बटे 6, इसको हल करना है, सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे, 2 पंजों 10 और 10 और 4 जोड़ेंगे कितने हो गए 14 बटे 5 प्लस, इसको 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 2 जोड़ेंगे, 6 2 8 बटे 6 सॉरी गुणा का चिन्ह है। तो अब सीधा गुणा करना है हमको, सीधा गुणा करेंगे तो गुणा के अंदर हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, जैसे इसको काट दें ये 4 और ये आ जाएगा 3, 14 चौके 56 बटे 5 दिए 15, और सीधा गुणा करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और काट के करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक और करके देखते हैं, चलो 1 सही
चार बटे दो इंटू दो सही एक बटे पांच, इसको इससे गुणा करेंगे, दो एकम दो और दो और चार है छह बटे दो, गुणा पांच दूणे दस, दस रेके ग्यारह बटे पांच, तो इसको गुणा कर देंगे, ग्यारह छिक्की छियासठ बटे पांच दूणी दस, तो ये इसका आ जाएगा गुणा। तो ये था बिनों के गुणा। अब करते हैं बिनों के भाग। बिनों के भाग, अब बिनों के भाग के अंदर सबसे पहले दो बिन लेते हैं, पाँच दो बटे चार भाग तीन बटे नौ, इसको हल करना है। तो बिनों में भाग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो इसको सबसे पहले इसको इससे गुणा करते हैं, नौ दूनी अठारह बटे फिर इसको इससे गुणा करते हैं, तीन चौके बारह, या फिर ऐसे नहीं करें तो ये आ जाएगा छः बटे चार और भाग दो बटे आठ। यदि ऐसे नहीं करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, छः बटे चार भाग को गुणा में चेंज करेंगे, इस संख्या को चेंज कर देंगे, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, ये हो जाएगा आठ बटे दो, इसको गुणा कर देंगे, आठ छिक्की अड़तालीस बटे चार दूनी आठ, ये आ जाएगा उत्तर। और करें तो इसको कर सकते हैं छः, तो ये हो जाएगा बिनों के भाग। चलो अगली बिन है ये मिश्र बिन, इस भाग करेंगे दो सही चार बटे नौ से, ये आ जाएगा, इसको एक से गुणा करेंगे, नौ एकम नौ और दो जोड़ेंगे ग्यारह बटे नौ, भाग नौ दुनी अठारह और चार बाईस बटे नौ। अब इसको हल कर लेंगे, या तो सीधा गुणा कर दो या फिर इसको चेंज कर लेंगे, ग्यारह बटे नौ इंटू नौ बटे बाईस, नौ से नौ कैंसिल हो गए, ग्यारह एकम ग्यारह, ग्यारह दूनी बाईस, तो ये आ जाएगा एक बटे दो, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये था बिनों के जोड़ घटा गुणा और भाग। सबसे पहले हमने जोड़ पढ़ा, फिर घटा, फिर गुणा और फिर भाग। अब जोड़ और घटा के अंदर हमने लेसन निकाला लघुत्तम समावर्त, और गुणा और भाग में लघुत्तम समावर्त की जरूरत नहीं होती। तो ये था बिनों के जोड़ घटा गुणा और भाग। बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।